पहले का मेरा फोटो था, अब ये देखिए यहाँ पे एडिट करके आया, ठीक ना, कलर ग्रेड करके आया। थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। ऐसा भी बता देता कि आज मैं प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से हम फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा फोटो है, तो सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप में। ये फोटो है, ठीक ना, यहाँ पे ये मेरा फोटो है। तो सिंपल से इस फोटो के क्या करते हैं कि सिंपल से कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट लेयर बना लिए हैं। और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद यहाँ से ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट रहना चाहिए और सिंपल से जाना है आपको फिल्टर में। फिल्टर में जाना है, कैमरा रो फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाना है, कैमरा रो फिल्टर में जाना है। इसको ओपन कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पॉपअप ओपन हो गया। तो सिंपल से हम क्या करते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बेसिक कलर में जाते हैं। यहाँ से एक्सपोजर के छोड़ देते हैं, एक्सपोजर मेरा ठीक है, हल्का सा कंट्रास्ट को दे देते हैं, ठीक ना, +6 दे दिए कंट्रास्ट। हाईलाइट को हम थोड़ा सा हल्का सा कम करने की कोशिश करते हैं, -5 हाईलाइट कर दिए, ठीक ना। और शैडो को छोड़ देते हैं, हल्का सा +2 कर दिए इसको। व्हाइट को हल्का सा मतलब +1 कर दिए। और ब्लैक छोड़ देते हैं, यहाँ पे टेक्सचर हल्का दे देते हैं। और क्या करते हैं कि इसमें की क्लैरिटी चाहिए, ठीक ना। इस फोटो में देखिए यहाँ पे बहुत सारा, तो यहाँ से मैं क्लैरिटी +4 कर दिया। और यहाँ पे दहेज है या दहेज जो भी बोल सकते हो, हम दहेजे बोलते हैं। और इसको सिंपल से हम क्या करते हैं कि इसको फूल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहले और अब में अंतर देखिए। पहले तो यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ दहेज को कम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसा हाईलाइट बढ़ जा रहा है पूरा। और दहेज को ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कलर एकदम जो बिखरा हुआ था वो सब पूरा रिकवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा लगभग सब रिकवर हो गया। कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूरा नोइज आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरा नोइज आ गया, मतलब कलर के साथ साथ नोइज भी आ गया। तो इसको सिंपल से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं दहेज के, तो छोड़ दिए यहाँ पे। यहाँ पे वाइब्रेशन और सैचुरेशन के छोड़ देना है, यहाँ पे वाइब्रेशन और सैचुरेशन के यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे कर्व में आप क्या करना कि यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट है, व्हाइट सेलेक्ट है तो इसको डाउन करने की कोशिश करना और इसको भी डाउन करने की कोशिश करना हल्का सा। मैं हल्का हल्का सा कर दिया हूँ और इसको छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे जो नोज है इसको हटाने का आपको काम है डिटेल्स में, ठीक ना। यहाँ पे डिटेल्स के ओपन किए हैं देखिए, और यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे नोज है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, शार्पनिंग का हल्का सा बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिटेल्स है इसको बढ़ाते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोज जितना है इसमें से हटने वाला रिडक्शन है, नोज रिडक्शन इसको बढ़ा देना और इसको डिटेल्स के कम कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ कि मेरा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा नोइज हट गया है, लगभग नोइज हट गया। आपको फोटो के हिसाब से देखना है कि मेरा नोइज कितना में हट रहा है। तो यहाँ पे मेरा हट गया है लगभग, ठीक ना, यहाँ पे देखिए। और इस फोटो में नोइज लगभग हट गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कलर नोइज है मतलब बिखरा हुआ कलर है, तो इसको फूल कर देते हैं सिंपल से। यहाँ पे भी यहाँ पे लगभग मेरा कलर ठीक हो गया, ये मेरा कलर ठीक हो गया, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे तो हो गया, अब क्या करना है कि मेरे को कि सैचुरेशन और है बढ़ाना है। तो प्रॉपर हम कलर के सेलेक्ट कर करके यहाँ से बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो डिटेल के काम हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे आते हैं कलर मिक्स में, ठीक ना, यहाँ पे आते हैं आप कलर मिक्स में। ऑरेंज के सिंपल से क्या करते हैं, आपको सब्जेक्ट में देखना है कि कौन कौन सा कलर है, तो वहाँ से सैचुरेशन हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं। येलो है, येलो का सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं। देखिए घास के मेरा ये कलर रिकवर हो गया है थोड़ा। अब क्या है कि यहाँ पे ब्लू है मेरा, तो यहाँ पे ब्लू के सैचुरेशन का हम बढ़ा दिए हैं देखिए यहाँ पे। और इसको करने के बाद यहाँ पे पर्पल है मेरा, तो पर्पल के बढ़ा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे लूमियस हम हल्का बढ़ा देते हैं ब्लू को। और यहाँ पे तो ये मेरा ठीक हो गया। हेयू अपने से देख लेना, हेयू देखिएगा आप, ब्लू को हम बढ़ाते हैं हल्का, तो देखिए आपका कैसा आकाश हो रहा है। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को नेचुरल चाहिए, तो यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे आना है कलर ग्रेडिंग में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कलर ग्रेडिंग। तो कलर ग्रेडिंग में हम जाते हैं और इसको क्या कर देना है, यहाँ पे मिड टोन है ना, मिड टोन अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपको देखना है कि किस तरह के अच्छा लग रहा है, किस टाइप, आपको इसको घुमा घुमा करके देख लेना है कि मेरा कहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसमें हम ब्लू लेते हैं, ठीक ना, ब्लू पर करते हैं। और यहाँ पे शेडो का हम हल्का सा देख लेते हैं, शेडो हम हल्का येलो लेंगे, हल्का सा ज्यादा नहीं, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइट है, हाईलाइट को आपको देख लेना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक ना। यहाँ से आपको भगा भगा करके यहाँ से और देख लेना। तो हम हल्का ब्लू लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्रॉपर हो गया, ठीक ना। यहाँ पे आप ब्लेंडिंग को आप बढ़ा घटा करके आपको चेक कर लेना है कि हमको कहाँ पे अच्छा लग रहा है।
अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, न तो हम कितना बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स में आते हैं, ऑप्टिक्स में इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर हाँ, अगर आपको अगर एडवांस में करना होगा तो कर सकते हो, आपका मन। अब मेरे को तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग बेस्ट हो गया, ठीक ना। इसको सिंपल से हम ओके करते हैं। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई लोगों तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछ लें, बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी में।